नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो इंटेलिजेंस के नक्षत्र वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत। फागुन का महीना है, आज हम फागुन के महीने में फागुन के बाद की बात करेंगे। मेरा आशा आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करेंगे 12वें नक्षत्र यानी के उत्तर फाल्गुनी। उत्तर फाल्गुनी का मतलब ही ये है कि फागुन के बाद का पीरियड, होली के बाद का पीरियड, उत्सव के बाद का पीरियड। यहीं से आप अंदाजे लगाना शुरू कर चुके होंगे कि इस नक्षत्र में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। दोस्तों 27 नक्षत्र है, 12वें नक्षत्र पर हम पहुंच चुके हैं, तकरीबन आधा रास्ता हमने तय कर लिया है। आधे रास्ते तक मेरा साथ देने का, सहयोग देने का, मेरा हौसला बढ़ाने का आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई नॉलेज जो कि 100% वैदिक शास्त्रों से ली गई है और मैं कोई कॉपीराइट नहीं इसका समझता, क्योंकि एजुकेशन पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता। एजुकेशन जितनी ऋषियों की थी उतनी ही हमारे पूर्वजों की थी, उतनी ही हमारी है और उतनी ही आपकी है। सिर्फ माध्यम बदल सकते हैं, पहले ऋषि माध्यम बने, उसके बाद हमारे पूर्वज माध्यम बने, अब हम माध्यम बन रहे हैं, कल को आप माध्यम बनोगे। और जो कोई भी इसको अपना कॉपीराइट समझता है वो वैदिक शास्त्रों की एजुकेशन की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, मैं ऐसा मानता हूं, और ये उसके छोटे दिमाग को ही इंगित करता है। दोस्तों एजुकेशन पर किसी का कोई आधिपत्य नहीं होता, ये बात मैं बार बार कहता हूं। एजुकेशन जहां से मिले, जिस भी तरीके से मिले, जैसी भी भाषा में मिले, उसको हमेशा ग्रहण करना चाहिए। और एजुकेशन जहां से शुरू हुई, हम लोगों को धन्यवाद मत देना, क्योंकि वी डोंट डिजर्व दिस ग्रेटिट्यूड। आजकल के कुछ हमारे एस्ट्रोलॉजर जो अपने आप को रिसर्चर कहते हैं, बार बार एक ही चीज को कहते हैं, पे ग्रेटिट्यूड टुवार्ड्स अस। नो, दिस इज रॉन्ग। दोस्तों ग्रेटिट्यूड अगर देना है तो हमेशा धन्यवाद सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को दो, परमात्मा की वाणी को दो, परमात्मा के द्वारा दी गई वैदिक एजुकेशन को दो। दोस्तों हम तो सिर्फ एक माध्यम है और बहुत छोटे से माध्यम है, पता नहीं ये जो एजुकेशन है ये आगे कहां तक तरक्की करेगी। हो सकता है जो चीजें मैं आपको बताऊं आप रिसर्च के द्वारा उसमें बहुत सी चीजें और एडप्ट कर लें। दोस्तों ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि अगर जो नॉलेज हम तक पहुंची है वो 100% ऑथेंटिक है, ऐसा भी नहीं है। ये मैं बात बहुत जोर से जोर देके बोल रहा हूं, क्यों? उसके पीछे कारण है दोस्तों, क्योंकि जब वेद रचे गए थे, शास्त्र जब बोले जाते थे मंत्रों के रूप में, तो उस समय लिखने वाला कोई नहीं था, सिर्फ सुनने वाले कान थे। कानों ने सुना और ऋषियों ने उनको अपने मुंह से आगे उद्धृत कर दिया। सो सुनने में और बोलने में ये जो गैप है, ये कई बार कुछ चीजें छूट जाती हैं, क्योंकि मेमोरी ये 100% कभी भी ऑथेंटिक नहीं हो सकती। थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ तो शास्त्र का मतलब बदल सकता है। सो इसलिए अगर हमारे पूर्वज रिसर्चर्स ने या हम लोगों ने उस एजुकेशन में अगर कुछ थोड़ा बहुत ऐड करने क्या गुस्ताखी की है, तो ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि इसको क्षमा ना किया जा सके या ये उन ऋषियों की डिसरिस्पेक्ट है। दोस्तों एडिशन शिक्षा में हमेशा डेवलपमेंट का ही माध्यम है। सो दोस्तों ये थोड़ी सी बात मैं आपसे करना चाहता था, हालांकि सब्जेक्ट थोड़ा सा डेविएट हो गया, मगर आज हम बात करेंगे नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी की। सो सबसे पहले दोस्तों दोबारा से एक बार फिर वही रिक्वेस्ट, कागज पेन रखें,
जो जो स्टेलर पॉइंट्स, जो जो खास मतलब चीजें मैं आपको नोट करवाता हूँ वो आप नोट करें। सबसे पहले नोट करें कि ये जो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, बारहवां नक्षत्र है, ये नक्षत्र शुरू कहां से होता है? दोस्तों, ये शुरू होता है जहां से पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की समाप्ति होती है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र समाप्त होता है दोस्तों 146.40 डिग्री तक, और ये उत्तर फाल्गुनी 146.40 डिग्री पर शुरू होता है। 13.20 डिग्री हर नक्षत्र का डिस्टेंस है या राशिपथ है, या वो इतना गति ट्रेवल करता है। तो इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो कितनी डिग्री आएगी? वो डिग्री आएगी 160 डिग्री। दोस्तों 160 डिग्री तक उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का राशिपथ है। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स, यानी पर्यायवाची नाम कौन कौन से। पर्यायवाची नाम है इसके आर्यमन या आर्यमा या उत्तर्भ नाम। अब इनके जो मतलब हैं, मतलब शायद आप ना समझ पाए, और इसमें मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, आप इसको सिर्फ नोट कर लीजिए। अब ये जो नक्षत्र है ये दो राशियों में बटा हुआ नक्षत्र है, क्योंकि सिंह राशि में इसका एक चरण स्थित है और तीन चरण इसके बाद सिंह राशि के बाद कन्या राशि में। सो जो पहला चरण है उसका लॉर्ड, सिंह राशि का लॉर्ड आप सब जानते हैं वो सूर्य है, और कन्या राशि का आप सब जानते हैं वो है बुध। सो ये नक्षत्र दो राशियों में विभाजित नक्षत्र है दोस्तों। ये भी पूर्व फाल्गुनी की तरह टू स्टार कॉन्स्टेलेशन है, इसमें दो तारे आते हैं। दो तारों से जो आकृति सौर्यमंडल में हमारे सामने प्रेजेंट की गई है वो एक स्लीपिंग कॉट, सोने वाली शैया, ये वैसी आकृति लगती है। अब इससे आप थोड़ा सा अंदाजा इस नक्षत्र के जातकों के बारे में लगा सकोगे। डिटेल में मैं आपको आगे बताता जाऊंगा कि वो क्या क्या है। दोस्तों इस राशि के जो इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो मैंने पहले भी बताया, अब दोबारा बता देता हूं, वो है आर्यमन। नक्षत्र के जो प्लेनेट गुरु हैं वो है सूर्य। इसका जो प्लेनेट है जो इसके साथ एसोसिएटेड है वो सूर्य है। चाहे ये नक्षत्र दो राशियों में विभाजित है मगर इसके लॉर्ड जो है वो सूर्य है। अब जो सिंबल की बात करते थे, जो मैंने बात करी कि ये सोने वाली शैया, स्लीपिंग कॉट, मगर स्लीपिंग कॉट की भी जो पिछली दो टांगे हैं ये उसी को इंगित करती है। अब आप देखिए ये पूरी कॉट को इंगित नहीं करती है, इसकी पिछली दो टांगे, मतलब क्या, जहां पे हमारा सिर प्रेजेंट होता है, ये वो वाली दो टांगों के ऊपर ऋषियों द्वारा ये सिंबल हमें बताया गया है। और ये सिंबल क्या बताता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब बात कर ले, पहले आप पॉइंट्स नोट कर लो। सबसे पहले, जैसे हर नक्षत्र के साथ कोई ना कोई कार्य उसके साथ एसोसिएटेड किया गया है, इस नक्षत्र के साथ जो कार्य एसोसिएटेड है, जो पुरुषार्थ एसोसिएटेड है वो है मोक्ष। ये मोक्षदायी नक्षत्र है। थोड़ा सा एक डायरेक्शन मैंने पहले भी आपको बताई थी, उत्सव, फाल्गुनी उत्सव के बाद का पीरियड। उत्सव के बाद हम क्या करते हैं, हम आराम करते हैं। तो यहां आराम नहीं है, यहां वो आराम ये मेडिटेशन का सब्जेक्ट बन जाता है कि ये मोक्ष प्राप्ति का नक्षत्र है। हमने अपनी ऊर्जा को पूरे तरीके से जागृत किया, खपाया, नाचे गाए, ये काम हमने किया पिछले नक्षत्र में। और जब ऊर्जा थक जाएगी तो ऊर्जा या सो जाएगी या ऊर्जा ऊर्ध्वगमन, यानी कि अपना ऊपर की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देगी। और जो नक्षत्र जिनमें ऊर्जा का ट्रेवल ऊपर की तरफ है
वो हमेशा सात्विक या मोक्ष की तरफ ले जाने वाले नक्षत्र हैं। और ये चीज आपको, एनर्जी का ये खेल आपको इस नक्षत्र में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं गण इसके साथ कौन से एसोसिएटेड है। दोस्तों गणों के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूं कि तीन तरह की एनर्जीज हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और बैलेंस। बैलेंस कौन सी है? वी ह्यूमंस, ये बैलेंस एनर्जी है। बुरी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी तो ये राक्षस, अच्छी हो जाएगी तो ये कौन से? देवता। मगर इस नक्षत्र की भी जो एनर्जी है वो बैलेंस एनर्जी है, और दैट मींस इसके गण कौन से हुए? मनुष्य, ह्यूमंस। अब बात करते हैं वर्ण कौन सा एसोसिएटेड है ऋषियों द्वारा इस नक्षत्र के साथ। दोस्तों वर्ण एसोसिएटेड है क्षत्रिय, वॉरियर। ये नक्षत्र रक्षा करने के लिए, सेफ्टी के लिए। अब इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, एनर्जी का खेल था, एनर्जी पूरे तरीके से जागृत थी। अब इस नक्षत्र में उस जागृत ऊर्जा को, जो कि सोने की शैया पर चली गई है, लोगों को दिखाई जो देता है, मगर अब उस ऊर्जा ने अपना ऊपर को एसेंट करना है, मगर उस टाइम उस ऊर्जा की रक्षा करना बहुत जरूरी है। और ये काम क्षत्रिय बन के ही किया जा सकता है, जो इस नक्षत्र के द्वारा संपादित किया गया कार्य है। अब आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों हर नक्षत्र के साथ कोई ना कोई एलिमेंट एसोसिएटेड है। इस नक्षत्र के साथ एलिमेंट एसोसिएटेड है अग्नि, अग्नि ऊर्जा, वेरी फियर्सफुल नक्षत्र, बहुत उग्र नक्षत्र, क्योंकि अग्नि है। और ये चीज भी इंडिकेटेड इसके क्षत्रिय वर्ण से करती है। दोस्तों ऋषियों द्वारा ये जो सिंबल्स दिए गए हैं, जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इनका सबका मतलब है। और हर मतलब, जैसे माला होती है, माला में अलग अलग मोती होते हैं, उनका रूप गुण स्वभाव अलग हो सकता है, मगर वो जब एक के साथ दूसरा जुड़ेगा तभी माला बनेगी। और इसी तरह इन पॉइंट्स को, आपने एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना, मिस कर गए तो कोई ना कोई कैरेक्टर्स आप उस नक्षत्र के भी मिस कर जाओगे। इसलिए अगर आपने पूरी माला को पहनना है, पूरी माला का पूरा फायदा लेना है, तो आपको एक एक पॉइंट ध्यान से लिखना होगा, उसको समझना होगा। तो आगे बात करते हैं कि परमात्मा का कौन सा स्वरूप इस नक्षत्र के साथ एसोसिएटेड है। वो है शिव। दोस्तों शिव, ये अध्यात्म की दुनिया में ये सबसे ऊंचा स्थान अगर किसी का है वो शिव का है। ये ऊर्जा का जो सबसे ऊंचा पॉइंट जो है वो शिव है। दोस्तों यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो, देखो शिव उग्र भी है, शिव तांडव भी कर सकते हैं, शिव का रौद्र रूप सबको डरा भी सकता है, मगर ये भी बात है कि अध्यात्म में जो एनर्जीज चलती हैं, उस एनर्जी का जो लास्ट पॉइंट और सबसे मोस्ट एलिवेटेड पॉइंट है वो शिव है, और वो इस नक्षत्र के साथ एसोसिएटेड है। तो जो बात हम मोक्ष की करते थे कि जो पुरुषार्थ इस नक्षत्र के साथ एसोसिएटेड है, उसका मतलब क्या है? क्षत्रिय वर्ण अगर इस नक्षत्र के साथ एसोसिएटेड है तो वो क्यों किया गया? अब ये चीजें, ऊर्जाओं के खेल थोड़ा थोड़ा आपको समझ आने शुरू हो गए। अब बात करते हैं कि इसके साथ एनिमल कौन सा एसोसिएटेड है। दोस्तों एनिमल एसोसिएटेड है इसके साथ मेल बुल। यहां भी देखिए फुल एनर्जी, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, मगर ये एनर्जी प्रोजेनी के लिए काम नहीं आती। बुल, अब आप समझ गए होंगे मेरा आश्रय कहां से। देखिए जब भी मेडिटेशन में जाना है तो हमें किसी ना किसी लेवल पर इस बुल को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इस एनर्जी को
लॉस कर दिया, तो वो एनर्जी कभी भी आपकी कुंडलिनी के थ्रू जागृत होकर आपको मोक्ष की तरफ नहीं लेके जा सकती। इस चीज को आप समझ लें। तो इसलिए इसके साथ जो एनिमल एसोसिएट किया गया वो भी आपको इस एनर्जी को समझाने के लिए किया गया कि ये एनर्जी मेल बुल, बी अ मेल बुल, तभी आप आगे ऊर्ध्वगामी बन पाओगे। आगे बात करते हैं, इसके साथ पक्षी कौन सा एसोसिएटेड है? दोस्तों पक्षी एसोसिएटेड है पीकॉक, मोर। यहां पे ये कैच भी है और इसको समझने की बात भी है। मोर देखने को बहुत खूबसूरत, बहुत डेलिकेट, जब मोर नाचता है तो पूरी दुनिया नाचती है, इतना खूबसूरत प्राणी है। मगर अगर आप मोर की टांगों की तरफ देखो, मोर तो रोता ही अपनी टांगों की तरफ देखकर, मगर आप भी हैरान हो जाओगे कि इतना खूबसूरत कलरफुल पक्षी की टांगे, इतनी पतली टांगे बट वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स। अब यहां पे एक चीज आप देखो, मोर सुंदरता की भी पराकाष्ठा है, मगर साथ में उसमें एज ए वॉरियर अपने आप को सेव करने की भी क्षमता है। सांप जो सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला प्राणी है, मोर उसको अपने पांव से पकड़कर चोंच से आराम से मार देता है, ताकि जो ऊर्जाओं का खेल, जो ऊर्जा अब ऊर्ध्वगामी थी, उस ऊर्जा के पथ पर किसी किस्म की खलल ना पड़े। देखिए एक के साथ एक को कैसे एसोसिएट किया गया और उसका क्या मतलब है, अब आप इस चीज को समझ पाओगे। आगे बात करते हैं कि इसके साथ ट्री कौन सा एसोसिएटेड है। दोस्तों इसके साथ ट्री एसोसिएटेड है जूवी। ये सात्विक प्लांट है एक, और ऋषियों ने जूवी को इस नक्षत्र के साथ एसोसिएटेड किया है। अब आप नोट कर लें कि जो चरण अक्षर या जो साउंड्स इस नक्षत्र के साथ एसोसिएटेड की गई हैं, वो कौन कौन सी है? वो दोस्तों चार हैं, टे, टो, पा और पी। टे, टो, पा और पी। दोस्तों ये जो साउंड्स हैं या जो चरण अक्षर हैं, अगर नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के नाम या उनका नामकरण इन अक्षरों से, ये चारों चरणों के अक्षर हैं, जिस चरण में किसी का जन्म हुआ है उसका नामकरण उस चरण अक्षर से कर दिया जाए तो वो उसके लिए बहुत शुभ होता है। आगे बात करते हैं इस नक्षत्र का बीज मंत्र कौन सा है। दोस्तों इस नक्षत्र का बीज मंत्र है ओम छम। छम, बारिश पड़ती है, छम छमा छम छम छम, ओम छम। इसको 108 बार, अगर इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातक 108 बार की एक माला रोजाना करना शुरू कर दे तो ये उनके लिए बहुत ही शुभ होगा। अब बात करते हैं कि गणपति का कौन सा स्वरूप इस नक्षत्र के साथ एसोसिएटेड है। वो है एक अक्षर गणपति। देखो गणपति के भी बहुत से स्वरूप हैं और हर नक्षत्र के साथ कोई ना कोई गणपति की एसोसिएशन बनाई गई है। जो इस नक्षत्र के साथ बनाई गई है वो है एक अक्षर का गणपति। दोस्तों ये तो थे खास खास पॉइंट्स जो आपने नोट करने थे। अब मैं आपको इस नक्षत्र के में जन्मे जातकों के गुण स्वभाव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों इस नक्षत्र में जो भी आत्माएं जन्म लेती हैं उनका जो फिजिक है काफी टॉल होगा, लंबे होंगे कद में, बट स्टाउट होंगे, स्ट्रांग होंगे। उनका जो नाक होगा, नाक उनका काफी लंबा होगा। उनकी जो नेचर होगी बहुत रिलीजियस होगी, बहुत रिस्पॉन्सिबल होंगे, बहुत ऑनेस्ट होंगे, सोशल सर्विस में बहुत ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, और सबसे बड़ी बात जो भी कार्य इनको दे दिया जाए ये उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा करने वाले होंगे। सो ये जो अच्छे कैरेक्टर्स किसी भी इंसान में हो तो उसका जीवन तो अच्छा ही बीतेगा, और ये
इस नक्षत्र वाले जो लोग हैं वो अपनी लाइफ को बहुत सेटिस्फाइड तरीके से जीते हैं। हालांकि ये भी बहुत इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, और इंडिपेंडेंट नेचर के होने की वजह से ये थोड़े से कई बार देखने को मिलता है कि ये थोड़ा गुस्सा करने वाले होंगे, थोड़ा सा इगोइस्टिक होंगे, थोड़ा सा इम्पेशेंट भी होंगे। मगर सबसे बड़ी बात, वेरी नाइस एंड काइंड हार्टेड, वेरी नाइस एंड काइंड हार्टेड, दिल के बहुत साफ, दूसरों का फायदा करने वाले, दूसरों की सहायता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले, किसी को चीटिंग ना करने वाले। इनको चीटिंग, एक्चुअली इस नक्षत्र वाले लोगों को चीटिंग पसंद ही नहीं है, और ये हैरान होते हैं कि लोग चीटिंग क्यों करते हैं। वेरी गुड पब्लिक सर्वेंट्स, क्योंकि सोशल सर्विस इनके एक, मतलब जैसे हम कहते हैं कि इनके एक अंदर का गुण है, तो इसलिए सोशल सर्विस में या पब्लिक रिलेशंस में ये एक्सेल करने वाले लोग होंगे। मगर एक चीज थोड़ी सी इनकी नेगेटिव है, ये दूसरों के लिए तो बहुत रिस्पॉन्सिबल है मगर अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाते, थोड़ा लापरवाही दिखाएंगे। सो इस वजह से इनकी जो फैमिली लाइफ है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। हालांकि ये नक्षत्र के लोग वेरी हार्ड वर्किंग, इसीलिए जीवन में तो ये सक्सेसफुल होंगे। अब आप नोट कर लें, ये लोग किस किस प्रोफेशन में जा सकते हैं। टीचिंग इनका एक नेचुरल सा प्रोफेशन है, राइटिंग इनके लिए एक नेचुरल प्रोफेशन है, रिसर्च इस नक्षत्र का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि उसके पीछे कारण है। उत्सव, एनर्जी के उत्सव के बाद जब एनर्जी शांत होती है, मेडिटेशन में अगर आप सोचें, कुंडलिनी के थ्रू थोड़ा सा जागरण भी शुरू हो जाता है मूलाधार चक्र के थ्रू, तो वो एनर्जीज, जब शांत एनर्जीज, या आप नॉर्मल फिजिकल लेवल पर सोचें, जब आदमी थक हार कर शांत होकर बैठता है तो उसका दिमाग बहुत अच्छी चीजें सोचने में समर्थ हो जाता है। सो ये लोग बहुत अच्छे लेवल पर रिसर्च कर सकते हैं। सो रिसर्च में आप देखोगे कि इस नक्षत्र के लोग वो काफी सक्सेसफुल होंगे। अब इस नक्षत्र में कुछ खास खास बातें भी होती हैं। 32 साल तक की एज जो है इस नक्षत्र के लोगों के लिए बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड रहेगा, और 32 से जो अगले 6 साल उनको मिलेंगे वो एक इनर्शिया का फेज होगा। थोड़ा बहुत सक्सेस दिखती मिलेगी, मिलेगी नहीं, 6 साल, 32 तक स्ट्रगल, 32 के बाद पीरियड ऑफ इनर्शिया, और 38 के बाद इनका भाग्य तेजी से चमकेगा और ये सक्सेस की लैडर पर सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाएंगे। फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, दोस्तों मैं बता चुका हूं कि इनकी मोर और लेस ठीक ही जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ये फैमिली के बारे में कम सोचते हैं, दूसरों के बारे में ज्यादा ध्यान देते हैं, बट मोर और लेस क्योंकि ये बहुत सेटिस्फाइड नक्षत्र है, बहुत सेटिस्फेक्शन लेवल इस नक्षत्र में लोगों का होता है, इसलिए मैरिड लाइफ जो है इनकी मोर और लेस अच्छी ही होती है। अब बात करते हैं इस जन्म नक्षत्र में जन्मी हुई लड़कियों की। लड़कियां भी मीडियम हाइट की होंगी, इसमें लड़के टॉल होंगे, लड़कियां मीडियम हाइट की होंगी। वेरी टेंडर, नाक इनकी भी लंबी होगी, बहुत ज्यादा एथिकल, बहुत ज्यादा मॉरलिस्टिक, बहुत ज्यादा शांति प्रिय, शांति के मामले में इनको शोर शराबा पसंद नहीं होगा, एग्जीबिशनिज्म इनको पसंद नहीं होगी, ऊंचा बोलना इनको पसंद नहीं होगा, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होंगी, लड़कों की तरह ही साइंस के सब्जेक्ट्स इनको भी पसंद आएंगे। बट लड़कों को साइंस के सब्जेक्ट्स ज्यादा पसंद आएंगे, लड़कियों को
साइंस के साथ मैथ भी ज्यादा पसंद आएगी। हालांकि एग्जीबिशनिज्म इनको पसंद नहीं है, मगर एक्टिंग मॉडलिंग में ये अपना करियर अच्छा बना सकती है। घर के डोमेस्टिक कार्यों में ये काफी स्किलफुल होंगी। और इसी वजह से, क्योंकि हालांकि एग्जीबिशनिज्म इनको पसंद नहीं है, मगर इनको एडवाइस भी यही की जाती है कि आप अपने आप को एग्जीबिशनिज्म में इंडल्ज मत करना, क्योंकि वो जो एनर्जी का खेल मैंने आपको समझाया था, वो फिर एनर्जी नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है, और इसलिए वो फिर नेगेटिव एनर्जी इन लड़कियों की मैरिड लाइफ और उनके फ्यूचर में प्रॉब्लम बन सकती है। मैरिड लाइफ लड़कियों की भी मोर और लेस अच्छी होती है, अच्छे स्पाउस, अच्छे बच्चे, सेटिस्फाइड लाइफ। अब बात कर लें दोस्तों, लास्ट जो टॉपिक मैं आपको सबको बताता होता हूं कि हर नक्षत्र के जो चार चरण होते हैं उनके लॉर्ड्स कौन कौन से, आप नोट कर लें। फर्स्ट चरण का लॉर्ड है गुरु, और चौथे चरण का लॉर्ड भी गुरु है। दूसरा और तीसरे चरण के लॉर्ड हैं शनि यानी सैटर्न। अब आप देखिए इसमें आपको एनर्जीज कैसी कैसी मिली, जो मैं आपको समझाता होता हूं कि एक ट्रायंगल बनती है। इसमें ट्रायंगल में लॉर्ड थोड़ा सा बदलेगा, क्योंकि ये राशि दो राशियों में डिवाइडेड नक्षत्र है, लियो और वर्गो। लियो में लॉर्ड बन जाएंगे सूर्य देवता, और वर्गो में बन जाएंगे मरकरी। पहले चरण वालों का मरकरी, ठीक है, साथ में फर्स्ट और फोर्थ का जो लॉर्ड है वो बन जाएगा गुरु। ये थोड़ा सा चेंज आपको इस नक्षत्र में करना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिवाइडेड नक्षत्र है। और जब आप ट्रायंगल पे तीनों लॉर्ड्स को बिठा लोगे, तो तीनों लॉर्ड्स को बिठा के उसके कैरेक्टर्स को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि अब आप उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र को बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको समझाने में अपनी तरफ से बहुत ही सरल भाषा को यूज करने का प्रयत्न किया है, और इसी वजह से मेरे को उम्मीद भी है और यकीन भी है कि आप मेरे द्वारा दी गई इस नॉलेज को अच्छी तरह समझ गए होंगे, सक्षम बन गए होंगे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र को समझने में, और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों के कैरेक्टर्स को डिफाइन करने में, और आगे से दूसरों की कुंडलियों में इस नक्षत्र को प्रेडिक्ट करने में। धन्यवाद।